हेलो फ्रेंड्स, जैक द रीपर। जैक द रीपर एक अज्ञात सीरियल किलर को दिया गया प्रसिद्ध नाम है, जो कि माना जाता है 1888 में लंदन के जिले व्हाइट चैपल के आसपास के और बड़े पैमाने पर गरीब क्षेत्रों में सक्रिय पाया गया था। ये नाम जैक द रीपर एक ऐसी चिट्ठी के माध्यम से सामने आया, जिसमें उसने मीडिया को खत लिख कातिल होने का दावा किया था। उस चिट्ठी को काफ़ी लोगों ने झूठा समझ खारिज कर दिया, यह सोच कि हो सकता है कि वह पत्रकारों की एक कोशिश हो लोगों की इस कहानी के प्रति रुचि और अपने अखबारों का प्रसार बढ़ाने की। अखबार से जुड़ी फाइलों में और समकालीन पत्रकारिता के विवरणों में इस हत्यारे को व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन नामों से पुकारा जाने लगा। जैक द रीपर की त्रासदी का शिकार अक्सर लंदन के ईस्ट एंड की मलिन बस्तियों में रहने वाली वेश्याएं होती थी, जिनका वो बेरहमी से पहले गला काटता था और फिर पेट। पीड़ितों में से कम 3 के आंतरिक अंगों को हटाया गया। इससे ऐसा लगता है कि जैसे हत्यारे को कुछ संरचनात्मक या शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। अफवाहें कि ये कत्ल आपस में जुड़े हुए थे सितंबर और अक्टूबर 1888 में गहराने लगी, जब मीडिया को ऐसी चिट्ठियां मिली जिसके लेखक या लेखकों ने अपने खूनी होने का दावा पेश किया। व्हाइट चैपल सतर्कता समिति के जॉर्ज लस द्वारा प्राप्त फ्रॉम हेल पत्र में शामिल था एक संरक्षित मानव गुर्दे का हिस्सा, आधा हिस्सा जो कि किसी शिकार का माना गया है। जनता मुख्य रूप से खूनी जैक द रीपर के अस्तित्व में उसके कत्लों के क्रूर चरित्र की और मीडिया द्वारा इस घटना को दी गई प्रमुखता की वजह से विश्वास करने लगी। अखबारों में मिली भारी कवरेज ने खूनी को व्यापक और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी तो दी ही, साथ ही साथ उसकी कथा को बढ़ावा भी दिया। 1891 तक हुए 11 कत्लों की पुलिस की तहकीकात में कोई ऐसा अहम सुराग नहीं मिला जो इन कत्लों को 1888 में हुए कत्लों से जोड़ सके। 5 शिकार मेरी अन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोस और मेरी जेन केली, इन्हें कैनोनिकल 5 भी कहा जाता है। इनके 31 अगस्त 1888 और 9 नवंबर 1888 में हुए कत्लों के आपस में जुड़े होने की संभावना मानी जाती है। इन कत्लों की गुत्थी कभी सुलझी नहीं और उनसे जुड़ी कहानियां वास्तविक ऐतिहासिक अनुसंधान, लोकगीत और छंद इतिहास या संयोजन से बन गई। शब्द रिप्रोलॉजी इन्हीं खूनी मामलों के अध्ययन और विश्लेषण का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। रीपर की पहचान से जुड़े 100 से अधिक अटकलें हैं और इन हत्याओं में कई कथाओं को प्रेरित किया है। ईस्ट एंड में इतनी बड़ी तादाद में औरतों पर हुए हमलों में से ये अनिश्चितता बढ़ जाती है कि इनमें से कितने कत्लों में एक ही आदमी का हाथ है। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 तक हुए 11 कत्लों को लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया और उन्हें पुलिस के संकलनों में खास तौर से व्हाइट चैपल मर्डर्स का नाम दिया गया। आम राय अलग अलग है कि क्या ये सारे कत्ल एक ही शख्स ने किए हैं, पर 11 में से 5 व्हाइट चैपल मर्डर्स, जिन्हें कैनोनिकल 5 भी कहा जाता है, माना जाता है कि ये जैक द रीपर का काम है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गहरे गले के घाव, पेट और जननांग क्षेत्र विकृति, आंतरिक अंगों को हटाने और चेहरे की विकृति जैक द रीपर की कार्यप्रणाली से मिलता जुलता है। व्हाइट चैपल मर्डर्स के पहले 2 कत्ल एमा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था तब्रम को कैनोनिकल 5 का हिस्सा नहीं माना जाता है। स्मिथ को 3 अप्रैल 1988 को ओसबोर्न स्ट्रीट व्हाइट चैपल में लूटा गया और उसका यौन शोषण भी किया गया। एक कुंद वस्तु उसकी योनि में डाली गई जिसके उसकी पेरिटोनियम फट गई। इससे उसे पेरिटोनेसिस हो गया और वह अगले दिन लंदन हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा बैठी। उसने बताया कि उस पर 2-3 लोगों ने हमला किया था, जिनमें से एक किशोर था। इस हमले को बाद की हत्याओं से मीडिया ने जोड़ा, पर काफी लेखक इस समूही हिंसा को रिपर केस से भिन्न मानते हैं।
तबरम की हत्या 7 अगस्त 1888 को की गई और उसके शरीर पर 29 चाकू के घाव थे। कत्ल का वहशीपन, वजह की कमी, स्थान से नज़दीकी और बाद के रीपर के कत्लों की तारीख से पुलिस ने इन केस को जोड़ दिया। ये कत्ल कैनोनिकल कत्लों से इसीलिए अलग है कि तबरम को चाकू मारा गया, ना कि गले और पेट को रेता गया, और इस घाव देने के फर्क की वजह से कई विशेषज्ञ आज भी उसे बाद के कत्लों से अलग मानते हैं। कैनोनिकल 5 रीपर के शिकार है मेरी अन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोस और मेरी जेन केली। निकोलस का शरीर शुक्रवार 31 अगस्त 1888 को करीबन सुबह 3:40 पर बुक रो वाइट चैपल में पाया गया। गले पर 2 जगह काटा गया था और पेट के निचले हिस्से को एक गहरे जख्म से खोल दिया गया था। उसी चाकू से पेट पर कई जगहों पर वार किए गए थे। चैपमैन का शरीर शनिवार 8 सितंबर 1888 को सुबह 6 बजे 29 हनबुरी स्ट्रीट स्पीडफील्ड्स की पिछली गली के दरवाजे के पास पड़ा हुआ मिला था। मैरी एन के तरीके से ही उसके गले पर भी 2 बार काटा गया था। पेट पूरी तरह से खोल दिया गया था और बाद में मालूम पड़ा कि गर्भाशय भी निकाल लिया गया था। ज़्यादा पूछने पर एक गवाह ने बताया कि उसने चैपमैन को सुबह 5:30 एक काले बालों और मैली छवि वाले आदमी के साथ देखा था। स्ट्राइड और एडोस का कत्ल रविवार 30 सितंबर 1888 की सुबह को हुआ। स्ट्राइड का शरीर रात 1 बजे डटफील्ड यार्ड बर्नर स्ट्रीट से अलग वाइट चैपल में मिला। मौत की वजह गले के उल्टी तरफ की मुख्य नस को साफ तरीके से काट देना था। पेट पर भारी घावों का न हो इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या स्ट्राइड का कत्ल रीपर ने किया था या फिर उसे ऐसा करते वक्त किसी ने रोक दिया था। गवाहों का मानना था कि उन्होंने स्ट्राइड को रात में एक आदमी के साथ देखा था, पर सबने अलग अलग हुलिया बताया। कुछ ने कहा कि उसका साथी गोरा था, कुछ ने काला, कुछ ने कहा कि वह मैले कपड़े पहना था और कुछ ने कहा कि वह काफ़ी अच्छे से तैयार था। एक दोस्त का शरीर लंदन शहर के मित्रे स्क्वायर में स्ट्राइड के शरीर के मिलने के 45 मिनट बाद मिला। गला कटा हुआ था और पेट पर एक लंबे गहरे जख्म से खोल दिया गया था। बाया गुर्दा और गर्भाशय का काफ़ी सारा हिस्सा हटा दिया गया था। कत्ल से थोड़ी देर पहले एक स्थानीय व्यक्ति जोसेफ लावेंदे अपने 2 दोस्तों के साथ उस स्क्वायर के पास से निकला था और उसने एक गोर पर मैले कपड़े पहने आदमी और एक औरत जो कि एडोस हो सकती है के साथ होने का जिक्र किया। उसके साथियों ने लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की। एडोस और स्ट्राइड के कत्लों को डबल इवेंट कहा जाने लगा। एडोस के खून से सने एप्रन का हिस्सा गोल्स्टो स्ट्रीट वाइट चैपल के एक घर के मुख्य द्वार के पास मिला। ऊपर दीवार पर लिखी बातों को गोल्स्टो स्ट्रीट ग्राफितो कहा जाने लगा और उसने शक जूस पर डालकर ये तब भी स्पष्ट नहीं था कि क्या कातिल ने एप्रन गिराते वक्त ग्राफितो लिखा था या सिर्फ ये एक इत्तेफाक था। ऐसी ग्राफिति वाइट चैपल में आम बात है। पुलिस कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन को डर था कि इस ग्राफितो से विरोधी दंगों की संभावना थी और इसीलिए उनको धो डालने का निर्देश दिया गया। 13 मिलर की कोर्ट में मैरी केली की हत्या के दृश्य का आधिकारिक पुलिस फोटोग्राफ केली का कटा हुआ शरीर शुक्रवार 9 नवंबर 1888 को उसके कमरे में जहां वो 13 मिलर कोर्ट डोरसे स्ट्रीट स्पीतल फील्ड से अलग सुबह 10:45 को बरामद हुआ। उसका गला रीढ़ की हड्डी तक काटा गया था और पेट के सारे अंग निकाल दिए गए थे। दिल गायब था। कैनोनिकल 5 मर्डर को रात में या फिर सप्ताह के अंत में अंजाम दिया जाता था, या तो महीने के अंत या फिर हफ्ते के अंत में। धीरे धीरे कत्ल और वहशी होते चले गए। सिर्फ स्ट्राइड को छोड़कर जिसके कातिल को शायद किसी ने रोक दिया था, निकोलस का कोई अंग निकाला नहीं गया था। चैपमैन का गर्भाशय गायब था। एडोस का गर्भाशय और गुर्दा निकाला गया था और उसका चेहरा नष्ट कर दिया गया और कैली के पूरे शरीर और चेहरे को काटा गया था, लेकिन घटनास्थल से सिर्फ उसका दिल गायब था। ऐतिहासिक रूप से ये विश्वास कि ये 5 कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं
उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी से उत्पन्न हुआ, जो उन्हें और केसों से अलग करती है। 1894 में सर मेलविल मंचाघेटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस के असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल और सीआईडी के हेड ने एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें ये बताया गया व्हाइट चैपल कातिल के 5 और सिर्फ 5 शिकार थे। इसी तरह से पुलिस सर्जन थॉमस बार्न के द्वारा लंदन सीआईडी के प्रमुख रॉबर्ट एंडरसन को 10 नवंबर 1888 को लिखी चिट्ठी में इन 5 कत्लों को जुड़ा हुआ बताया। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि कुछ कत्ल एक आदमी द्वारा किए गए थे, लेकिन बाकी के कत्ल कई सारे स्वतंत्र कातिलों का काम है। लेखक स्टीवर्ट पी एवांस और डोनाल्ड रुम्बैलो की दलील है कि कैनोनिकल 5 एक रीपर कल्पना है, और 3 केस निकोलस चैपमैन और एडोविस जरूर एक दूसरे से जुड़े हो, लेकिन स्ट्राइड और केली के जुड़े होने की संभावना कम है। इसके विपरीत कई लोग मानते हैं कि तबरम और केली के बीच के 6 कत्ल एक ही कातिल का काम है। जांचकर्ता रोग विज्ञानी जॉर्ज बक्स्टर फिलिप्स के शिष्य डॉक्टर पर्सी क्लार्के का मानना है कि सिर्फ 3 कत्ल जुड़े हैं, बाकी के कत्ल ऐसे कमजोर लोगों ने किए हैं जो इस गुनाह की नकल करना चाहते थे। मंचाघेटन ने पुलिस सेवा हत्याओं के 1 साल बाद शुरू की, इसीलिए उसके बयान में संदिग्धों को लेकर काफी बुनियादी गलतियां थी। कैली को रीपर का आखिरी शिकार माना जाता है, और यह अनुमान लगाया गया कि कत्ल कातिल की मौत सजा संस्थानीकरण या उत्प्रवास की वजह से बंद हो गए। व्हाइट चैपल मर्डर की फाइलों में और 4 कत्लों का जिक्र है जो कैनोनिकल 5 के बाद हुए थे। रोज मेलेट, एलिस मस्केंजी, पिंचिन स्ट्रीट तोरसो और फ्रांसिस कॉल्स के ब्लेड को क्लार्केस यार्ड हाई स्ट्रीट पॉपुलर में 20 दिसंबर 1888 में गला घोट के मारा गया। लड़ाई के कोई निशान नहीं थे, और पुलिस ने ये मान लिया कि उसने गलती से अपना दम घोट लिया है या फिर खुदकुशी की है। फिर भी जूरी ने इसको कत्ल ही माना। मकेंजी को 17 जुलाई 1889 को बाई कैरोटिड आर्टरी काट कर मारा गया। शरीर पर काफ़ी छोटे छोटे कट और छोटे थी, और वह कैंसल एले वाइट चैपल में पाया गया था। एक जांचकर्ता थॉमस बॉन्ड का कहना था कि यह रीपर का काम है, लेकिन उसके साथी जॉर्ज बक्स्टर फिलिप्स, जिन्होंने पहले 3 शिकारों के शरीर का मुआयना किया था, वह उनकी बात से सहमत नहीं थे। बाद में लेखक उनमें बांट गए, जो ये मानते थे कि यह रीपर का काम है, और कुछ ये सोचते थे कि ये उस आदमी का काम है जिसने रीपर का तरीका अपने से शक हटाने के लिए किया गया। पिंचिन स्ट्रीट तोरसो एक औरत का बिना सिर और पैर का शरीर था, जो पिंचिन स्ट्रीट वाइट चैपल के एक रेलवे आर्च के नीचे 10 सितंबर 1890 को पाई गई। ये माना जाता है कि कत्ल कहीं और किया गया और शरीर के हिस्सों को कहीं ठिकाने लगाया गया। कॉल्स को 13 फरवरी 1891 को स्वालो गार्ड्स वाइट चैपल में एक रेलवे आर्च के नीचे मारा गया। उसका गला कटा हुआ था, पर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। जेम्स थॉमस सदलेलर को उसके साथ देखे जाने के बिना पर गिरफ्तार किया गया, और ये सोचा गया कि वो ही रिपर है, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उसे 3 मार्च 1891 को छोड़ दिया गया। 11 व्हाइट चैपल कत्लों के अलावा समीक्षकों ने और कत्लों को भी रिपर से जोड़ा। फेरीफे केस में ये साफ नहीं है कि हमला सच में हुआ था या फिर रीपर की कहानियों में से एक था। फेरीफे का शिकार को दिया उपनाम था, जिसका शरीर 26 दिसंबर 1887 को मिला था। उसके पेट में सटाके डालकर हत्या की गई थी, लेकिन क्रिसमस 1887 के आसपास वाइट चैपल में किसी भी कत्ल की जानकारी नहीं मिली थी। फेरीफे शायद प्रेस द्वारा एमा एलिजाबेथ स्मिथ, जिसके पेट में लकड़ी या कोई कुंद वस्तु डाली गई थी, के कत्ल से जुड़ी कोई अफवाह थी। कई लेखकों का मानना है कि शिकार फेरीफे शायद मौजूद ही नहीं थी। एनी मिलुड को 25 फरवरी 1888 को व्हाइट चैपल की रुग्णशाला में पैर और जांघों में गहरे घावों के साथ भर्ती किया गया। उसे छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी वह
जाहिर तौर पर प्राकृतिक कारणों से 31 मार्च 1888 को 38 साल की उम्र में चल बसी। उसको बाद में रीपर का पहला शिकार बताया गया, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक और शुरुआती शिकार है अदा विल्सन, जो 28 मार्च 1888 को दो बार गले में चाकू घोंपे जाने के बावजूद भी बच गई। एनी फार्मर भी उसी लॉजिंग हाउस में रहती थी जिसमें मर्ता तब्रम रहती थी। उसने 21 नवंबर 1888 को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया। उसके गले पर एक ऊपरी घाव था, पर वो शायद खुद से दी गई चोट थी। द व्हाइट हाउस मर्डर्स नाम 2 अक्टूबर 1888 को व्हाइट हॉल के नए मेट्रोपोलिटन पुलिस हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में मिली एक बिना सर की औरत की लाश को दिया गया। उसी लाश का हाथ इससे पहले पिमलिको के पास रिवर थेम्स में तैरता मिला था और एक पैर उसके शरीर के पास दफनाया गया था। शरीर के बाकी अंग और सर कभी बरामद नहीं हुए और लाश की शिनाख्त भी नहीं हुई। कत्ल काफी कुछ पिंचिन स्ट्रीट के कत्ल से मिलता जुलता था, जहां पैर और सर काटे गए लेकिन हाथ नहीं। व्हाइट हॉल मिस्ट्री और पिंचिन स्ट्रीट केस थेम्स मिस्ट्रीज नाम के कत्लों की श्रृंखला का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें एक टोरसो किलर नाम के कातिल ने अंजाम दिया था। ये बात विवादास्पद है कि जैक द रीपर और टोरसो किलर उस इलाके में सक्रिय दो अलग या एक ही शख्स थे। टोरसो किलर का कत्ल का तरीका रीपर से भिन्न था और पुलिस ने उस वक्त उन दोनों के बीच कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। एलिजाबेथ जैक्सन एक वेश्या थी जिसके शरीर के अलग अलग अंग रिवर थेम्स से जून 1889 को 3 हफ्तों के अंदर निकाले गए। वो भी टोरसो किलर की एक और शिकार हो सकती है। 1 7 साल के लड़के जॉन गिल का शव मनिंगम ब्रैडफोर्ड में 29 दिसंबर 1888 को बरामद हुआ था। उसके पैर काट दिए गए थे, पेट खोला गया था, अग्नित्रिया निकाल दी गई थी और उसका दिल और एक कान भी नदारद था। मैरी गैली के केस से मिलते जुलते होने के प्रेस में ये बात उठी कि ये रीपर का काम हो सकता है। लड़के के मालिक दूध वाला विलियम बैरेट को 2 बार संयोगिक सबूतों के बिना पर पकड़ा गया और दोनों बार छोड़ दिया गया और किसी को कभी भी इस केस में पकड़ा नहीं गया। कैरी ब्राउन, उपनाम शेक्सपियर क्योंकि वह शेक्सपियर की कविताएं सुनाती थी, को 24 अप्रैल 1891 में न्यूयॉर्क सिटी में कपड़े से गला घोट और चाकू से काट कर मार दिया गया। उसके शरीर के रान में एक बड़ा सा चीरा लगाया गया था और उसके पैर और पीठ पर ऊपरी घाव थे। घटनास्थल से कोई शरीर का अंग गायब नहीं था, लेकिन एक अंडाशय बिस्तर पर मिला जो या तो जान कर काटा गया था या फिर गलती से काट दिया गया था। उस वक्त इन कत्लों को व्हाइट चैपल के कत्लों से मिलता जुलता पाया गया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अंत में उनके जुड़े होने की संभावना को खारिज कर दिया। व्हाइट चैपल कत्लों के सिलसिले में बची पुलिस फाइल्स में विक्टोरियन एरा में तहकीकात के तरीकों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की एक टोली ने व्हाइट चैपल में घर घर जाकर पूछताछ की, फॉरेंसिक सबूत ढूंढे, संदिग्धों की पहचान कर उन्हें ढूंढ कर जांचा गया और कई बार बरी भी किया गया। पुलिस के तहकीकात आज भी यह तरीका इस्तेमाल करती है। 2000 से ज्यादा लोगों का साक्षात्कार किया गया, 300 से ऊपर की तहकीकात हुई और 80 लोगों को रोका गया। शुरुआती तहकीकात का संचालन मेट्रोपॉलिटन पुलिस व्हाइट चैपल डिवीजन CID डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एडमुडो रीड के नेतृत्व में हुई। निकोलस के कत्ल के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के सेंट्रल ऑफिस से डिटेक्टिव इंस्पेक्टर्स फेडरिक अबेरलिन, हेनरी मूर और वॉल्टर एंड्रूस को मदद के लिए भेजा गया। एडोवेस के कत्ल के बाद डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जेम्स मकविलियम्स के नेतृत्व में लंदन शहर की पुलिस भी तहकीकात में शामिल हो गई, क्योंकि ये कत्ल लंदन शहर में घटित हुआ था। लेकिन तहकीकात को सही दिशा में ले जाने के प्रयासों में अड़चन इसीलिए आई क्योंकि CID के नए नियुक्त प्रमुख रॉबर्ट एंडरसन 7 सितंबर और 6 अक्टूबर के बीच छुट्टी लेकर स्विट्जरलैंड गए थे और इसी अवधि में चैपमैन, स्ट्राइड और एडोवेस का कत्ल हुआ था। इस वजह से मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर पर चार्ल्स वॉरेन ने
चीफ इंस्पेक्टर डोनाल्ड स्वांसो को स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात करने को कहा। जॉन टेनियल द्वारा बनाया गया ब्लाइंड मैन ब्लफ कार्टून, जो पुलिस की नाकामयाबी का मजाक बनाता है, कातिल को पकड़ पाने की पुलिस की नाकामयाबी ने कट्टरपंथियों की सोच को पक्का किया कि पुलिस अयोग्य और कुप्रबंधित है। स्थानीय लोगों के एक समूह व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी ने पुलिस की तहकीकात से नाखुश हो संदिग्धों को ढूंढने के लिए लंदन के ईस्ट एंड इलाके का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने सरकार को कातिल की जानकारी देने के लिए रखे गए इनाम को बढ़ाने के लिए याचिका दी और गवाहों से सवाल करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। कसाई सर्जन और चिकित्सकों पर कत्ल के तरीके को नजर में रखकर शक किया गया। सिटी पुलिस के एक्टिंग कमिश्नर मेजर हेनरी स्मिथ द्वारा छोड़े गए दस्तावेज के हिसाब से स्थानीय कसाईयों के नजदीकियों से पूछताछ की गई और फिर उन्हें बरी कर दिया गया। इंस्पेक्टर स्वासो के रिपोर्ट के हिसाब से 76 कसाईयों से पूछा गया और उनके पिछले 6 महीने के कर्मचारियों को भी जांच में शामिल किया गया। कुछ समकालीन लोगों जैसे क्वीन विक्टोरिया का मानना था कि कातिल कोई मवेशी चराने वाला या कसाई था जो लंदन और मेनलैंड यूरोप के बीच में चलने वाली नावों में से किसी पर काम करता था। व्हाइट चैपल लंदन डॉक्स के नज़दीक था और अक्सर ऐसी नावें बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आती थी और शनिवार या इतवार में चली जाती थी। मवेशी नावों को भी जांचा गया लेकिन कत्ल की तारीख किसी एक नाव की गतिविधि से मिलती नहीं थी और नावों के बीच में नाविकों की आवाजाही भी मुमकिन नहीं थी। अक्टूबर अंत में रॉबर्ट एंडरसन ने पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड से कातिल की शल्य कौशल और ज्ञान के बारे में उनकी राय मांगी। बॉन्ड द्वारा व्हाइट चैपल के कातिल की जो छवि पेश की गई वह सबसे पहली आपराधिक रूपरेखा थी। बॉन्ड का आकलन उसके द्वारा किए गए एक शिकार की जांच और पहले के 4 कैनोनिकल कत्लों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बनाया गया था। उसने लिखा, 5ों कत्ल बिना किसी शक के एक ही आदमी का काम है। पहले 4 कत्लों में गर्दन को उल्टे से सीधे हाथ की तरफ को काटा गया। आखिरी के कत्ल में ज्यादा जख्म दिए जाने के कारण ये पता कर पाना मुश्किल है कि जानलेवा जख्म कहाँ दिया गया, लेकिन जहाँ औरत का सर गिरा था वहाँ पास की दीवार पर खून के छींटे गिरे हुए थे। इन सब परिस्थितियों में ये मानता हूँ कि ये औरतें कत्ल के वक्त लेटी हुई थी और हर मौके पर पहले गले को काटा गया है। बॉन्ड इस विचार के खिलाफ थे कि कातिल को किसी तरह का शल्य ज्ञान है या फिर वह कोई कसाई या घोड़ा मारने वाला है। उनकी राय में कातिल कोई अकेलेपन से त्रस्त आदमी था जिसको मन में कभी कभार हिंसक और कामुक उन्माद जन्म लेते थे। उसके द्वारा की गई त्रासदी उसकी कामिच्छा का चरित्र दर्शाती है। बॉन्ड ने यह भी कहा कि यह हिंसक उन्माद मन में बदले की भावना से उत्पन्न हो सकती है या फिर धार्मिक पागलपन भी बीमारी हो सकती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों ही संभावनाएं गलत है। किसी भी शिकार के साथ यौन उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिकार को चाकू से काटना और उन्हें अपमानजनक स्थिति में घाव को दर्शाते हुए छोड़ना ये साबित करता है कि कातिल इन हमलों से यौन सुख हासिल करता था। इस विचार को कई लोगों ने बेबुनियादी मान खारिज कर दिया। कत्लों के चरित्र और शिकारों की अवस्था ने ईस्ट एंड के बुरे हालातों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इन भीड़ और मलिन बस्तियों की तरफ लोगों का रवैया बदल दिया। कत्लों के 2 दशक के बाद इन बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, पर कुछ गलियां और इमारतें अभी भी सलामत हैं और रिपर की कहानी पर्यटकों को बताने में मददगार साबित होती है। कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित 3 बेल्स में एक शिकार का आना जाना रहता था और कई सालों तक वह शहर के टूर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। 2015 में ईस्ट लंदन में जैक द रिपर संग्रहालय की शुरुआत हुई। कत्लों के एकदम बाद जैक द रिपर बच्चों का बोगीमैन बन गया। उसके स्वरूप भयानक और राक्षसीय होने लगे। 1920 और 1930 का दशक में उसे रोज के कपड़े पहने एक ऐसे आदमी की तरह दिखाया गया जिसका एक राज है, जो अपने मासूम शिकारों पर हमला करता था
वातावरण और बुराई को रोशनी के बदलाव से दर्शाया गया। 1960 के दशक तक रीपर को हिंसक अभिजात वर्ग के प्रतीक की तरह टोपी पहने और जेंटलमैन की तरह तैयार दिखाया गया जाने लगा। संस्था दुश्मन बन गई और रीपर ऊपरी वर्ग के शोषण का चिन्ह बन गया। रीपर की छवि डरावनी कहानियां जैसे ड्रैकुला और क्लोक और विक्टर फ्रैंकेंस्टीन के ऑर्गन हार्वेस्ट से मेल खाने लगी। रीपर की काल्पनिक दुनिया शर्लक होम्स से लेकर जापानी कामुक और डरावनी कहानियां कई शैलियों के साथ फ्यूज कर सकते हैं। विरोधाभासों और समकालीन खातों की अविश्वसनीयता के अलावा जीवित फॉरेंसिक सबूत के अभाव के कारण असली हत्यारे की पहचान करने के प्रयास में बाधा उत्पन्न होती रही। मिली हुई चिट्ठियों के डीएनए एनालिसिस से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जानकारी कई लोगों के हाथों में पड़ी और इसीलिए वह सही नतीजे नहीं दे पाई। कई ऐसे दावे हुए कि डीएनए सबूत दो अलग अलग संदिग्ध बताते हैं और दोनों की कार्यप्रणाली की आलोचना की गई।